सो हेलो गाइस, आपको पीछे गेट देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो आज हमारी ट्रेन है जयपुर दिल्ली कैंट कोविड स्पेशल डबल डेकर एक्सप्रेस। और मैं ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरे को सच में जाना है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपको एक बार ट्रेन दिखाता हूँ, देखो। सो दिस इज आवर ट्रेन। ये नॉर्मली ये ट्रेन रोज डेली चलती थी। ये चलती थी सुबह 6 से, और पहले दिल्ली सराय रोहिल्ला तक थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली सराय रोहिल्ला लिखा हुआ है, पर लेकिन अभी ये सिर्फ दिल्ली कैंट तक हो गई है। और ये दिल्ली सराय रोहिल्ला 10:30 बजे पहुँचाती थी, अब इसका 10:10 पे दिल्ली कैंट पहुँचाती थी और इसका काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो टाइमिंग की बात करूँ तो अभी ये जयपुर से निकलेगी 6 बजे, फिर उसके बाद ये गांधीनगर जयपुर रुकेगी, फिर उसके बाद में ये रुकेगी अलवर जंक्शन, फिर उसके बाद रुकेगी गुड़गांव, और फिर लास्ट हमारा दिल्ली कैंट आ जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सो गाइस, हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम 6 बजे डिपार्ट करना शुरू कर दिया। अभी मेरे ख्याल से 6:01 हो गए हैं, मतलब ठीक है, लेट भी नहीं है, बिल्कुल सही टाइम पर डिपार्ट किए। तो देखते हैं क्या ये गांधीनगर स्टेशन अपने टाइम पर पहुंचेगी, जो कि है 6:20 का मेरे ख्याल से। और देखिए शानदार डिपार्चर पीछे से। और ये रुक रही है पता नहीं क्यों, फिर चेन पुलिंग हो गई। ये जयपुर जंक्शन, ये 428 meters। तो गाइस, मैं इस ट्रेन से पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ, जब भी दिल्ली जाते हैं हम यही ट्रेन लेते हैं। ये रिटर्न में मेरे ख्याल से 5:30 बजे है वहाँ से दिल्ली कैंट से, पहले सराय रोहिल्ला से थी तो सेम ही टाइम है लगभग। तो इसकी सर्विस टाइमिंग खतरनाक, ट्रैवल जरूर करना, बढ़िया है। कल ICF ट्रेन क्रॉस हो रही है, इसका नाम वाम बोर्ड कुछ लिखा नहीं ऐसा सच। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 6:05 हो रहे हैं और लगभग अराउंड 60 के अराउंड स्पीड है। हेलो गाइस, अभी फिलहाल हम अलवर एंट्री कर रहे हैं। स्टेशन काफ़ी हद तक खाली है, कोई मेरे को दिख तो रहा नहीं है। देखो हम अलवर पहुंच चुके हैं बिल्कुल, अगर देखा जाए टाइम के हिसाब से तो 5 मिनट बिफोर पहुंची है। इसका टाइम यहाँ पे 7:53 का, अभी फिलहाल 6:58 हो रहे हैं, 7:58 हो रहे हैं, तो 5 मिनट बिफोर पहुंची है हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस। और काफ़ी ठंडा मौसम है, बहुत ठंडी हो रही है। देखो 7:45, अभी नीचे उतरते हैं, देखते हैं कैसा स्टेशन कैसे आए स्टेशन। तो कमाल यार, बहुत चिल्ड, बिल्कुल ठंडी एकदम चिल्ड हवा है। तो अलवर हम जल्दी पहुंच गए हैं, कोशिश करेंगे गुड़गांव भी पहुंच जाए। गुड़गांव मेरे ख्याल से समथिंग 9:30 बजे आता है, हाँ 9:30 बजे आते हैं, अभी 1.5 घंटे बाद गुड़गांव आएगा, फिर आपसे उधर मिलेंगे हम। अभी स्टेशन पर मैं उतरूँगा, रुक जाए एक बार गाड़ी, अभी रुकी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबी है। तो देखते हैं स्टेशन पर उतरेंगे, देखते हैं कुछ अच्छा मिला तो लेके आएंगे खाने वाने के लिए, वैसे तो दूध वगैरह तो रखा ही हुआ है। तो यहाँ पे आस पास तो कुछ है नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 मिनट का ही हॉल्ट है, तो कुछ मतलब नहीं है। पीछे जाएंगे तो क्या पता दूसरे कोच में चढ़ना पड़े, पूरे पूरे चल के आना पड़ेगा, और कुछ है भी नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे है उधर दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे, पर वहाँ तक जाऊँगा नहीं, फेंस लगी हुई है। तो सही टाइम पे पहुँची, जल्दी बिफोर ही पहुंच गई, देखते हैं अभी
गुड़गांव हम बिफोर पहुंचते हैं लेट, क्योंकि उस रीजन में जाके फिर ये इसको बैलगाड़ी बना देते हैं, धीरे 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 चलती है। तो मोस्टली कभी कभी क्या होता है 10 की बजाय 10:30 के आसपास पहुंचती है। देखते हैं, वैसे अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है और वैसे भी इसका नाम है अभी चेंज कर दिया इन्होंने, जयपुर दिल्ली कैंट कोविड स्पेशल डबल डेकर एक्सप्रेस। तभी देखते हैं कैसा पहुंचेगा। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नॉर्मल चार्ट, जब ये नॉर्मल दिल्ली सराई रोहिला डबल डेकर बन के चलती थी, सबसे पहले जयपुर सुबह 6, फिर 6:10 को गांधीनगर, 7:50 अलवर। वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है टाइम में, पर दिल्ली कैंट में अब इसको 10:10 का अराइवल दे दिया है, जबकि पहले 9 बिल्कुल बराबर टाइम पर डिपार्ट कर चुके हैं हम। आपको सामने येलो सिग्नल दिख रहा होगा, येलो सिग्नल है आगे और अलवर जंक्शन। बाय बाय। सो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आई है। 9:30 का अराइवल था, 30 पे पहुंच चुकी है और अब तक बढ़िया, आधे घंटे बाद हम दिल्ली कैंट में होंगे और फिर हमारा ब्लॉग हो जाएगा ख़त्म। तो अभी फ़िलहाल यहाँ ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वहीं मिलूँगा। और देख लो गुड़गांव भाई इतना खाली है, कभी जब ये गाड़ी आती तब पूरा पैक होता था ये स्टेशन उतरने और चढ़ने के लिए। तो गाइस हम दिल्ली कैंट पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुंची। बहुत ही खतरनाक जर्नी थी, अगर आप कभी जयपुर से दिल्ली जाए तो इस ट्रेन से जरूर जाना। ये चुपरे पागल आती, और ये देखो मेरा कूली, वेरी गुड, 10 रुपये मिलेंगे तुम्हें। और पहली बार हम दोनों अकेले आए हैं साथ में। अकेले मैं बहुत बार आ चुका हूँ, पर इसके साथ कभी नहीं आ चुका हूँ। तो मेरे दोस्तों के साथ नहीं, बिना किसी के साथ अकेले बिल्कुल। मैं तो आ चुका हूँ पर हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं गए थे। तो ग्रेट सक्सेस, और अगर आप आओ तो मेरी आपको मालूम है फेवरेट ट्रेन ये और दुरंतो बेस्ट। तो आज के लोग लेता ही